हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AN08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, इनके बारे में बात करूंगा। और डुरान कप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कौन सा ग्रुप में है ये भी बात करूँगा। डुरान कप का ग्रुप स्टेज निकल चुका है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन के बारे में। गाइस, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आसिर अख्तर के साथ कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सभी फैन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लास्ट सीजन में आसिर अख्तर का परफॉर्मेंस आप सभी लोग जानते ही है। और आसिर अख्तर के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2026 तक कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आसिर अख्तर 2025 और 20 तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कलर्स में हम सभी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट मिर्शाद मिर्सू के बारे में। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मिर्शाद मिर्सू के साथ भी कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। लास्ट सीजन में मिर्शाद मिर्सू का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थे, बेकार परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। लास्ट सीजन में मिर्शाद मिर्सू के काफ़ी मिस्टेक किया था, और इन मिस्टेक के कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और सीजन के लास्ट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने हैदराबाद एफसी का गोलकीपर गुरमीत सिंह को साइन किया था। और इनके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास दो गोलकीपर हो चुका है, फर्स्ट गुरमीत सिंह और सेकंड गोलकीपर मिर्शाद मिर्सू। और मिर्शाद मिर्सू के साथ भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट ने कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन किया है। वन ईयर का कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन किया है, 2025 तक है कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन मिर्शाद मिर्सू के साथ। नेक्स्ट बात कर देते हैं डुरान कप के बारे में। गाइस, डुरान कप का सारे ग्रुप स्टेजेस निकल चुका है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ग्रुप ई में है। और ग्रुप ई में नॉर्थ ईस्ट के साथ ही साथ और तीन टीम है, उड़ीसा एफसी, बोरोलैंड एफसी और बीएसएफ एफसी है, बीएसएफ फुटबॉल टीम। इन तीन फुटबॉल क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ओपोनेंट रहेगा। और अभी तक फिक्सर रिलीज नहीं हुआ है, और जब फिक्सर रिलीज हो जाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट अपडेट है टॉमी ज्यूरिख के ऊपर। गाइस, आप लोगों ने शायद आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि टॉमी ज्यूरिख पार्ट वेज हो चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से। और टॉमी ज्यूरिख के रिप्लेसमेंट में शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गुइलर्मो फर्नांडिस को साइन किया है। ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने टॉमी ज्यूरिख को इतने आसानी से छोड़ देना नहीं चाहिए था। और ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है टॉमी ज्यूरिख के ऊपर। तो ये फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। जब इनका ऑफिशियली कन्फर्मेशन न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के लिए इतना ही है। जय अहोम, वंदे मातरम।